देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हो क्या गया शिव? कर क्या रहा था? पागलों की तरह उनका पीछा क्यों कर रहा था? माँ, I just want to know the truth। मुझे बस सच जानना है। एक बार वो ब्लैकमेल हाथ लग जाता, सबको पता चल जाता कि शानी तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है शिव? और कौन सा सच जानना चाहता है तू? सारे अनु पता है वो हार ईशानी ने चोरी किया था। वो खटिया सी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया और वो पैसे लेने भी ईशानी ही आई थी। ये तो तूने खुद अपनी आंखों से देखा है। और कौन सा सच जानना है तुझे? पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया उस लड़की ने तुझ पर। मान लिया आपकी बात, सारी गलती ईशानी की है। मिल गई खुशी। I don't want to discuss this. मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लड़की वाले आ रहे हैं। You tell me the time. I'll be ready. पर शिव, 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 मेरी बात तो सुन। परजाई जी, रुक जाइए। परजाई जी, वो जवान खून है, वो नहीं समझ पाएगा। पर आप तो समझदार है ना? हाँ, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, उसने आप पे ही समझ जाना है। नहीं शशि, मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो ईशानी फिर से मेरे शिव के साथ कोई नया ड्रामा ना शुरू कर दे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? बच गए। ईशानी, तू यहाँ क्या कर रही है? तो अब तक काम पे नहीं गई? मैं बस जा ही रही हूँ। ये ट्राई करो। रच्चू, ये क्या पहना है तूने? दाई, वो मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। ये कुर्ता क्यों पहना है तूने? तुझे पता है ये? दाई, वो मुझे ना एक ऑडिशन के लिए जाना था, लंदन वाली एड के लिए, तो उन्हें ना कुछ इंडियन लुक में चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपका कुर्ता पहन लेती हूँ। रचू, ये मेरा कुर्ता नहीं है, किसी और का है, उतार के दे दे मुझे, मुझे वापस करना है। ईशानी का फोन? अगर इस मैडम ने अपना फोन चेक कर लिया ना, तो हम सबकी बैंड बच जाएगी। जल्दी से इसका सिम कार्ड चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, आप एक काम करो, आप रेडी हो जाओ, मैं तब तक ये कुर्ता चेंज करके लाती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ, आई, हमें ईशानी की सिम कार्ड चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, आप एक काम करो, आप उसे बातों में लगा कर रखो, मैं जाके एक काम करके आती हूँ। जा 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 जा, जल्दी जल्दी उठा। ओए जानू जी, आज तुम्हें बहुत खुश आएगी जी, और तुसी सुनोगे ना तो तुसी भी खुशी से उछल पड़ोगे। 2.5 घंटे में 2.5 लाख झटक लाई फटी है मीना। और तूने ना छोटी मोटी चोरियां करके ना सारी जिंदगी गुजार देनी है। और काम की बात सुन, अब उस साल्टा वो डुप्लीकेट भांजा है ना अनिकेत, वो भी ईशानी को पसंद करता है, वही प्रपोज करा है उसने उसको। उसे थानू कैसे पता? और शिव के मुंह से खुद सुना है मैंने। और शिव के पास आई थी वो उसको प्रपोज करने, वो कहती कल रात को आप मेरे को प्रपोज करने आए और आज मैं आ गई। और जब मैंने पूछा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तो मुझसे कहती है मैं उसके घर गया था उसे प्रपोज करने। लेकिन तू उसके घर गया था ना? हाँ गया था, लेकिन मैं उससे मिला नहीं था। ओए सच के ऊपर वाला, सच बोलू ना, किसी अगर यहाँ था तो साडा डुप्लीकेट भांजा अनिकेत तो गया होगा ना उसको प्रपोज करने। अनिकेत? हाँ ओए, मैंने तो पहले ही पता था, अगर वो ईशानी के लिए तेरे को धमकी दे सकता है, इसका मतलब वो उसको बहुत प्यार करता होगा। जानू जी, मैं सारा खेल बहुत अच्छे से समझ गई जी, मतलब तोटे दोनों भांजे उस चोनी ईशानी के प्यार में पागल है। हाँ जी, ये तो बहुत ही कमाल हो गया जी। और मैं क्या ना, अब ऐसे में अनिकेत को अगर शिव और ईशानी की लव स्टोरी के बारे में मालूम चल जाए ना, तो फिर तो कहानी में और भी मसाला लग जाना है जी। वो तो ठीक है एकदम, पर यार वो सारी बसुड़ी ये है कि अनिकेत ना हमारे को मिल ही नहीं रहा। ओ मैं क्या जी, वो ना बहुत चलाक बंदा है। हाँ, अगर अनिकेत वो वीडियो देख लेना जिसमे शिव और ईशानी तो जिसम एक जान बने हुए है ना, तो फिर देखना उसने आग लग जानी है और वो बिल्कुल वो कौन से वीडियो की बात कर रही है तू? ओए जानू जी, होली के दिन ना शिव और ईशानी बाथरूम में एक साथ ना आ रहे थे, किसी ने वीडियो बना लिया जी, वही वीडियो दिखा के तो वो आपकी बहन को ब्लैकमेल कर रही है उसकी वो चलाक मामी। अच्छा? हाँ। ओ, पर वो वीडियो है किधर?
मुझे और कहाँ होगा, उसकी उस बदतमीज और कटकनी मामी के पास होगा। और तू मेरे को ना वो वीडियो ले आके देगी, बस कैसे भी होए। नहीं 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 जानू जी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस औरत के पास। मुझे वो तो बहुत बददिमाग है, बहुत बदतमीज है, मैंने नहीं जाना। ओए छोड़ ना यार ये सब बातें, वो वड्डी वड्डी गेम में जीतने के लिए ना छोटे मोटे खिलाड़ियों को साथ लेना ही पड़ता है। लेकिन जानू जी, ओए यार साढ़े पैसे और पावर की मंजिल के लिए ना वो बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है ये वीडियो। और तेनू वो सांप और स्पेरी की कहानी याद है ना, और इस वीडियो के जरिए हम सीधा अनिकेत तक पहुंच सकते हैं और अपनी मंजिल के और भी करीब। ईशानी तूने रचना को ऐसे क्यों बोला? हाँ तू हमारे घर में रह सकती है और वो तेरा कुर्ता नहीं पहन सकती? ऐसे तो सबको बताती फिरती है मेरी बहन है मेरी बहन है। आज तेरी बहन ने तेरा कुर्ता क्या पहन लिया तो तेरी जान निकल गई। मामी इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। हाँ हाँ तो जा ना। आई बड़ी मेरी बेटी ने तेरा कुर्ता क्या पहन लिया तो बस घर में तांडव करना शुरू कर दिया इस लड़की ने। तेरा बस चले ना तो मेरी बच्चियों को लात मार के घर से बाहर निकाल देगी, तू ऐसी लड़की है। मामी आपको लड़ना है ना तो बाद में आराम से लड़ लेना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम पर जाना है। हाँ हाँ जा दफा हो जा, मैं कौन सा तेरा हाथ पकड़ के खड़ी हूँ, जा निकल यहाँ से। रचना मैंने कहा था ना तुझे मुझे ये कुर्ता वापस करना है, तूने अभी तक उतारा क्यों नहीं? ताई अभी तो पहना है मैंने ये, और ये नीचे से कितना गंदा भी हो गया है, तो अब तो मैं ना इसे ड्राई क्लीन करवा के आपको वापस करती हूँ। ठीक है? ठीक है। हे भगवान चली गई है मनहूस, बच गए इसकी काली नजर से। चल चल पैसे निकाल। हाँ, अंदर रूम में चले। चल 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 चल, चल हाँ, अंदर चल। अब तक निशानी क्यों नहीं आई? मुझसे मिलने से ज्यादा क्या जरूरी काम हो सकता है उसके पास? करूं कि नहीं, इतना तो पूछ ही सकता हूं कि कहां तक पहुंची। चल अब घर पे कोई नहीं है, अच्छे से ये पैसे जगह पे रख देते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खोल भाई, रुको ना एक सेकेंड। आपको क्या लग रहा है मैं इन पैसों के साथ रील बनाकर डालने वाली हूँ क्या? रचना देखा तुझे मेरी कसम है, इन पैसों के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? आई मैं क्या आपको पागल लगती हूँ जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते फिरूंगी कि ईशानी के नाम पर ब्लैकमेल करके ये पैसे कमाए हैं? छी फूटी किस्मत हमारी, कमाने गए थे 5 लाख रुपए और आए कितने? 2.5 लाख। ये भी पर कुछ भी बोल, भले ये 2.5 लाख है पर इनकी हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। मामी मामी ये पैसे कहां से आए? तू होती कौन है पूछने वाली? कलेक्टर है क्या कहीं की? और तुझे क्या लगता है इस घर में तू अकेली कमाती है? तेरे पैसों से ही घर चलता है? हाँ लेकिन मैं इस घर में रहती हूँ और मुझे ये जानने का हक है कि इतने सारे पैसे इस घर में कहां से आए। हक की बात करेगी तू मुझसे? ये देख ईशानी मेरे दिमाग में मत जा समझी, वरना तू मेरा गुस्सा जानती है। एक सेकेंड, नहीं ये पैसे मेरे हैं, वो लास्ट मंथ मैंने इंटरनेशनल ब्रांड के लिए शूट किया था ना तो वहां से आए हैं। मिल गया जवाब, या इन पैसों की रसीद चाहिए तुझे और अब तुझे देर नहीं हो रही ऑफिस जाने के लिए? हाँ चल निकल यहां से। बहुत उछलती है ये लड़की,
जब शिव धूपर इसकी इज्जत उछालेगा ना तो समझ आएगा इसे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू ईशानी। मुझ जैसा अमीर लड़का क्या देख लिया तुम? मुझसे शादी के सपने देखने लगी? यू एंड योर फैमिली आर अ बंच ऑफ ब्लडी गोल्ड डिगर्स। बिना शक्ल देखे कैसे मान जाऊं कि वो ईशानी थी? मैं नहीं मानता। पहले ईशानी से बात करके सब क्लियर कर देना था। अब कॉल करता हूं। कब से ट्राई कर रहा हूं, ईशानी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो ईशानी, हेलो लगता है अभी तक इस शिव धूपर का मन नहीं भरा, इसलिए नंबर बदल के कॉल कर रहा है। बिजी? ईशानी मुझे तुमसे अभी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारा चेहरा देखना है। दोबारा मुझे कॉल मत करना, दूर ही रहना मुझसे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शानी, शानी, हेलो, शानी, जानती हो? हाँ जानती हूँ ना, और अब तो पहचानने भी लगी हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारा चेहरा देखना है। दोबारा मुझे कॉल मत करना, दूर ही रहना मुझसे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईशानी, मुझे लगा था तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुम भी सबकी तरह निकली। धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम सब एक जैसे क्यों होते हो, धोखेबाज? कुलकर्णी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। I will kill you। मार दूंगा मैं तुम्हें। सॉरी मुझे लेट हो गया, चलो। एक मिनट। हाँ हाय ईशानी, प्लीज कम। हाय। कुछ नई न्यूज देना यार, यू नो ना न्यूज चैनल को हर दिन कोई न्यूज स्टोरीज चाहिए। हाँ कोई सेंसेशनल गॉसिप हो, कुछ स्कैंडल हो, देन लेट मी नो। ओके चल बाय। हाय ईशानी, हाउ आर यू? हाय मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। काफी दिनों के बाद बुलाया आपने। हाँ एक्चुअली रेनोवेशन का काम चल रहा था, सो पुराने घर से नए घर, फिर ढेर सारा काम, और अब रेनोवेशन खत्म तो तुम्हारा काम शुरू। थैंक यू, हम अभी शुरू ही कर रहे हैं। श्योर। अच्छा ईशानी, तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो एक बार मुझसे मिल लेना। ओके जी।
मीना कुमारी की सस्ती कॉपी, तेरे 7 जन्म इतने जल्दी खत्म हो गए? वाह, मैं क्या बिंदु की डुप्लीकेट कॉपी, इतना चिचबाती हूँ कि नहीं सोचते हैं जी, हर बात को ना दिल से नहीं लगाते, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो जी, और सारी बातें इतने ही खड़े होके करोगी, घर में घुसने तो दे। ना ना, बिल्कुल नहीं, भूल गई क्या? हम तो चोर हैं, भीख मंगे हैं। मुझे वैसे एक बात बता, हम भीख मंगों के घर तू क्या भीख मांगने आई है? ओए देखो ए, पंगा लेने का ना आज मेरा कोई मूड नहीं, मैं बहुत खुशी के मूड में हूँ, इसलिए मेरा माथा गर्म ना कर हा? और आराम ना ला, बात सुन ले पहले। आवाज नीचे हुँ? भूल मत तू मेरे दरवाजे पर खड़ी है, और वैसे भी तूने जैसे खातिरदारी करी थी ना मेरी तेरे घर में, वैसे मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना तेरी खातिरदारी करने का, बातें बातें तो बैठ के हो जाएगी मीना कुमारी। तुझे तो मुझसे हाथ मिलाने में भी शर्म आ रही थी ना, हाँ? और मेरे घर पे आते वक्त शर्म नहीं आई तुझे? क्या चाहिए बता? मैंने वो वीडियो चाहिए था, शिव ते ईशानी का वीडियो। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बता, वो वीडियो क्यों चाहिए तुझे? ओए मेरे माथे पे पूछताछ केंद्र लिख रहा है क्या, जो इतने सवाल किए जा रहे, कब क्यों कहां कैसे, और मैं कह रही है ना कि वीडियो दे देते, बात खत्म बस। जितना सोचा था उससे ज्यादा टेढ़ी है ये औरत, जरूर ये कोई कारनामा करने वाली है। या तो तू अपने आप को बहुत बड़ी शानी समझती है, या तो तू मुझे बेवकूफ। मेरी मदद की कीमत 2.5 लाख और तेरी मदद की कीमत पूरे 5 लाख रुपए है। ओ नहीं नहीं नहीं, ओए बिंदु की डुप्लीकेट कॉपी, मैं क्या लालच के ऊपर लालच ना, बिल्कुल गलत बात है जी, ये तो सरासर जाती है। अच्छा, और तू जो कर रही थी वो क्या था बता? हाँ ओए सुनो, ए देख, मैं ज्यादा से ज्यादा ना 2.5 लाख रुपए दे सकती हूँ, अगर मंजूर है सादा तो बोल, एक हाथ वीडियो ते दूजे हाथ पहे, और सुन नहीं ते तू अपने कार ते मैं अपने महल। चल निकाल। ये ले, और छित्ती वो वीडियो फॉरवर्ड कर मेरे नंबर पे। अब तू सुन, तेरे कान के पर्दे और दिमाग के ताले खोल। वो क्या है ना कि दुनिया में ना हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। इन 2.5 लाख के साथ मुझे तेरा हार भी चाहिए। वो पागल हो गई है क्या? वो दिमाग के सारे बल्ब फ्यूज हो गए हैं तेरे, कुछ भी बोल रही है। वही जो तू सुन रही है, जैसे तूने मेरे गले से हार खींचा था, याद है? हाँ याद है। अब तू तय कर ले, तुझे वीडियो चाहिए या ये हार? हाँ बता। ओ वड्डी वड्डी गेमें जीतने के लिए ना छोटे मोटे खिलाड़ियों को साथ लेना ही पड़ता है ओए, साढ़े पैसे और पावर की मंजिल के लिए ना वो बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है ये वीडियो। अब ठीक है, अमीर लोगों की नजर में ना ये शर्म देखना मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ अब सुन, जिस इज्जत से तूने मेरे गले से हार उतारा था ना, हाँ बस बिल्कुल वैसे ही ये हार तू मुझे पहना दे। But
हुई ना बराबरी। अभी देख, आहा, कितना जच रहा है ना मुझ पे। तुझे यही तो बताने की कोशिश कर रही थी उस दिन कि ये हार मेरे लिए बना है, और तू एक ही मेरा हार चल, अब मैं तुझे मदद कर ही देती हूँ वीडियो भेज के। हुँ? देख ले, आ गया तेरे मोबाइल में। ओए, मीना तेरी ये मदद ना हमेशा याद रखेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि तू सुलोचना को हमेशा याद रखे, समझी?